बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर के घर पर आई है एक बेहद ही बुरी खबर। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जो ट्रॉलर्स के निशाने पर आए थे करण जौहर, जो करण जौहर की फिल्म को लेकर ड्राइव फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज करने के बजाय सिनेमा हॉल में रिलीज करने के बजाय डिज्नी प्लेटफॉर्म पर यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, इस फैसले के बाद जो है फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए थे क्योंकि करण जौहर के इस फैसले से सुशांत आहत हुए थे ये कहा जा रहा था। ऐसे में करण जौहर के घर पर भी एक पार्टी हुई थी जिसे लेकर करण जौहर फंसे थे। एक मंत्री ने लास्ट ईयर ही उनके घर पर रफ पार्टी हुई थी, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए थे। ये मामला कुछ समय तो थम गया, फिर शुरू हो गया ये मामला कोर्ट पहुंचकर। जी हाँ, नोटिस भेजा गया है करण जौहर के घर पर दोबारा से उस वीडियो की वेरासिटी को चेक करने के लिए। NCB ऑफिशियल की तरफ से आ गया है ये बयान। जी हाँ, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जो कि मुंबई में सुशांत केस की तहकीकात में जुड़े रहे हैं अपनी टीम के साथ, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आए। तो वहीं मजिंदर सिरसा शिरोमणि अकाली दल के ये लीडर ने ही कंप्लेन दर्ज किया था करण जौहर के खिलाफ उस पार्टी को लेकर जिसमें दीपिका पादुकोण, मलाइका, अर्जुन शाहिद भी मौजूद थे और करण ने अपने घर पर ये पार्टी रखी थी। एलिगेशंस थे करण जौहर ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था और इसे लेकर ही स्टेटमेंट आए हैं कि फिजिकली वो प्रेजेंट हो ना हो लेकिन रिस्पॉन्स करना उनके लिए अब ज़रूरी है। ऑफिशियल ने कहा नोटिस भेजा गया है सर्कुलेशन वीडियो को लेकर। और तो वहीं मनजिंदर सिरसा की कंप्लेन की वजह से MZU मुंबई जोनल यूनिट ने मार्क किया है जो इसे इस पर अब तहकीकात फिर से शुरू हो गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।